गरियाबंद जिले के विंद्रा नवागढ़ विधानसभा विशाल जनसंख्या वाले गांव झाखरपाड़ा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विंद्रा में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 5 साल पूर्व राहुल गांधी के कहे अनुसार किसानों का कर्ज माफ किया था और धान का समर्थन मूल्य 2500 देने की बात कही थी। आज हम 2640 रुपए में धान खरीद रहे हैं और किसानों का हजारों करोड़ों का कर्ज माफ किया है। आज हम फिर वादा कर रहे हैं कि अब हम धान 3200 में खरीदेंगे और किसानों का कर्ज माफ करेंगे। इसी तरह महिला स्व सहायता समूह की महिलाओं के कर्ज को भी हम माफ करेंगे, यह हमारा वादा है और भूपेश जो कहता है वह करता है। कांग्रेस की सरकार कभी झूठ नहीं बोलती। उपस्थित जन समूह को बिंद्रा नवागढ़ के झाखरपाड़ा गांव में उपस्थित विशाल जन समूह को संबोधित करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, भूपेश है तो भरोसा है, 15 साल अपने भाजपा का भी और 5 साल आपने हमारा भी देखा है, आप तुलना कर लीजिए कि कौन सही है और कौन झूठा है, किसने आप लोगों का कर्ज माफ किया, किसने आपको 2500 प्रति क्विंटल के बदले 2640 में धान खरीदी, बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने तो बोनस देने का वादा करके बोनस नहीं दिया, किसानों को 2100 रुपए धान समर्थन मूल्य पर खरीदने की बात कही थी और नहीं खरीदा, किसने और कौन सी 5 साल की सरकार ने आपको बोनस का वादा किया है और 5 साल पूरा बोनस दिया। यह रमन सिंह की सरकार नहीं है जो झूठ बोलकर काम निकालने की कोशिश करती है। 3500 चावल देने की बात कह 7 किलो चावल थमा दिया, राशन कार्ड बनाकर सत्ता में बैठे और फिर उसे पुनः निरस्त कर दिया। उनकी कोई गारंटी नहीं है, कांग्रेस की गारंटी है। कांग्रेस जो कहती है वह करती है। इनका तो काम है राम राम जपना, पराया माल अपना। ऐसे सुनने में आ रहा है कि भाजपा के लोग अपने कार्यालय में बैठकर फॉर्म भरवा रहे हैं। क्या भाजपा कार्यालय से सरकार का कर्ज माफ हो जाएगा? यह कतई संभव नहीं है। इन पर भरोसा करना बहुत बड़ी गलती होगी। कांग्रेस सरकार को आपने भरोसा कर 5 साल दिया था, इस बार भी आप भरोसा करके कांग्रेस को जिताइए और कांग्रेस आपको अपना सारे वादा पूरा करेगा, यह मैं कह रहा हूं। भूपेश बघेल। देवभोग के भेंट मुलाकात के दौरान आप लोगों ने 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी करने की मांग की थी, हमने उसे अपने घोषणा पत्र में लागू कर दिया। यहां सिंचाई बांध की मांग हो रही है, हम आप लोगों से वादा करते हैं कि किसानों की हर मांग विशेषकर बराई सिंचाई सुविधा हम तत्काल उपलब्ध कराएंगे। आज विंद्रानगर विधानसभा में चुनावी सभा करने का अवसर मिला और इसमें जबरदस्त उत्साह किसानों में, नौजवानों में, महिलाओं में देखने को मिला। 15 साल से यहाँ भारतीय जनता पार्टी जीतती रही, लेकिन इस समय कांग्रेस पार्टी एक तरफा यहाँ जीत हासिल करेगी, ऐसा पूरा विश्वास। सत्ता तो वही चला रहे हैं, बंद करने की जिम्मेदारी भारत सरकार की है, बंद क्यों नहीं कर रहे? अभी तक बंद नहीं हुआ है। हम तो सर लूप और सर्कुलर भी जारी किए, गिरफ्तार भी नहीं कर रहे। भारतीय जनता पार्टी वालों के साथ महादेव के साथ गठबंधन हो गया है और लेन देन हुआ है, इस कांस के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही। क्या लगता है का सरकार बना रहे हैं? आराम से बन रहा है, इस बार 75 पार। गरियाबंद से फारूक मेमन की रिपोर्ट, प्रत्यक्ष तरीके से CGBN TV।